हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हैशटैग बैन नेटफ्लिक्स ये ट्रेंड कर रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय। इसमें यूं तो लीड कैरेक्टर्स तब्बू और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में एक ऐसा सीन है जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। सीन में दरअसल देखिए क्या दिखाया गया है कि एक किसिंग सीन है जो कि मंदिर में फिल्माया गया है और पीछे से भजन बज रहा है। तो इस पूरे सीन को लेकर पूरा विवाद हो रहा है, और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कल एक उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरीके से भावनाओं को आहत करने वाला है, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं यानी कि मीरा नायर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं और खुद नेटफ्लिक्स के खिलाफ मैं कार्रवाई के आदेश दे रहा हूं। इतना ही नहीं, शाम होते होते इस वेब सीरीज के जो मेकर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होने की भी खबरें आ गई थी। मुश्किलें इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स की और मेकर्स की बढ़ने वाली हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर जिस तरीके का आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है वो इसकी सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। रिलीज भले ही हो गई है, रिलीज से पहले कोई विवाद नहीं हुआ, इसकी खैर मना रहे हैं मेकर्स, लेकिन अब चूंकि लोगों ने देख ली है और इसमें जो वो सीन निकल कर सामने आया है जिसमें ये जो किसिंग सीन पर विवाद हो रहा है इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नेटफ्लिक्स को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि ये जानबूझकर ऐसे कंटेंट परोसता है जिससे कि जो हिंदू धर्म है उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि जब भी नेटफ्लिक्स पर कुछ रिलीज होने वाला होता है उससे पहले उसकी समीक्षा होनी चाहिए, कुछ लोगों को उसको दिखाना चाहिए, सेंसर बोर्ड के पास वो फिल्में वो वेब सीरीज जानी चाहिए ताकि उन पर भी कैंची चल सके जो सीन्स विवादित हैं। इन सबके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स बिक गया है, वो सिर्फ ऐसा ही कंटेंट अब दिखा रहा है जो कि एक तरफा है, और किसी ने तो ये तक लिख दिया है कि आप इसी सीन को मदर में क्यों नहीं फिल्मा सकते हैं, उससे आपको क्या आपत्ति है, हमेशा मंदिर ही क्यों होता है, हमेशा यही क्यों होता है कि आप कुछ ऐसा गलत सीन दिखा रहे हैं और पीछे से भजन चल रहा है। तो इस पूरे विवाद में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर नेटफ्लिक्स की भी आ रही हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेटफ्लिक्स पर आने वाले वक्त में कई सारी फिल्में रिलीज होनी है। अगर इस तरीके का बखेड़ा खड़ा होता है सोशल मीडिया पर तो उसका असर आने वाली फिल्मों पर और वेब सीरीज पर पड़ सकता है। बहरहाल जिस तरीके का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिस तरीके का बहिष्कार नेटफ्लिक्स का किया जा रहा है, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी हमें जरूर बताइएगा।